सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं काजल शाह, आप सभी को बोडो प्रेस चैनल पे बहुत ही बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप सभी के सामने हिंदी का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक विषय क्रिया लेके आई हूँ। क्रिया को इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है काम। अब ये काम क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना हो कि कर्ता क्या होता है। कर्ता का मतलब होता है जो काम करने वाले होते हैं, जैसे कि राम, आप, मैं। राम पानी भर रहा है तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। राम नाच रहा है तो काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। सीता खेल रही तो काम कौन कर रहा है? सीता कर रही है, तो उसे हम कर्ता कहते हैं। लेकिन क्रिया क्या है? जैसे कि अगर हम बात करते हैं क्रिया, तो इसका डेफिनेशन होता है कर्ता द्वारा जो भी किया जाए उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं क्रिया। जैसे कि पढ़ना, तो पढ़ना एक काम हुआ। खेलना, इन सभी को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। पढ़ना, लिखना, दौड़ना, नाचना, यानी साधारण सी भाषा में कहा जाए तो क्रिया का मतलब होता है काम। पढ़ना, लिखना, दौड़ना, नाचना, इन सभी को क्या कहेंगे हम? क्रिया। एक उदाहरण देती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि इसमें कौन सा क्रिया है। सीता खेल रही है, तो बताइए इसमें कौन सा काम हो रहा है? खेलने का। तो खेलना हमारा हो जाएगा क्रिया। तो आप सभी के सामने बहुत ही छोटे विषय पर मैंने कुछ कहा, और मुझे ऐसा आप आशा करती हूँ कि आपको समझ में आए। तो आप सभी ने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।